नहीं सबने कहो भाई, 52 में बाबा साहब चुनाव लड़ रहे थे मुंबई से। कुछ लोगों ने कहा कि संविधान बना करके इन्होंने अभी अभी दिया है, विद्वान आदमी है, इनके खिलाफ अगर चुनाव के लिए कांग्रेस कैंडिडेट खड़ा नहीं करे तो ठीक रहेगा, ये कहा। ये इतिहास में दर्ज है, पहले ये चीजें गायब कर दी, अब नरेंद्र मोदी जी ने मुझे कानून मंत्री बनाया है, तो बाबा साहब को जो सही इतिहास है उसको हम जनता के सामने रख रहे हैं कि उनको कहा कि आप मत लड़ाओ इनके सामने, ये विद्वान आदमी है, इनको आने दो लोकसभा। तो नेहरू जी ने कहा नहीं मैं तो सामने लड़ाऊंगा तुम्हें, अब लड़ाया तब तक तो ठीक था, मैंने चुनाव लड़ने का नेहरू जी पैसे भी दिया, इतना में 20,000 रुपया दिया नेहरू जी कि आप जाओ और बाबा साहब अंबेडकर के खिलाफ चुनाव लड़ो। वो कह मेरे पास नहीं है, इससे काम चल जाएगा, तो बोला चल जाएगा, नहीं चलता तो मैं चुनाव प्रचार करने आऊंगा। कौन कह रहा है? नेहरू जी कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे उस समय भाई, चुनाव के बाद फिर प्रधानमंत्री बने जीतने के बाद, लेकिन 47 से लेकर के 52 तक एक सरकार बनी जिसका नाम था अंतरिम सरकार। जब अंग्रेज देश को छोड़ करके गए, भाई साहब आप इधर आओगे क्या, इधर आ जाओ सुनते रहेंगे थोड़ा ढंग से। हाँ, अंग्रेज जब छोड़ के गए तो एक सरकार बनी थी जिसको बोलते थे अस्थाई सरकार, अंतरिम सरकार, उसके प्रधानमंत्री थे नेहरू जी। चुनाव हुआ 52 में पहला, तो जनता ने फिर प्रधानमंत्री बनाया नेहरू जी को, लेकिन उस समय कहा कि मैं चुनाव प्रचार करने भी आऊंगा। और आश्चर्य तब हुआ जब लोगों को, बड़े बड़े लोगों को हुआ थी, उसमें डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी थे, उसमें हीरेन मुखर्जी भी थे कोई कम्युनिस्ट पार्टी के, उसमें जयप्रकाश नारायण भी थे, उसमें कांग्रेस भी कुछ नेता थे जो चाहते थे बाबा साहब के खिलाफ कांग्रेस कैंडिडेट नहीं खड़ा करे, क्योंकि कुछ लोगों के खिलाफ कैंडिडेट खड़ा नहीं किया था कांग्रेस ने 52 में पहले चुनाव में, या हल्का किया था, जैसे आराम से जीत गए थे वो, और बाबा साहब के खिलाफ कैंडिडेट खड़ा किया कांग्रेस ने, रुपए अलग से दिए, और फिर नेहरू जी प्रचार करने गए और बाबा साहब को चुनाव हरा दिया। फिर 53 में भंडारा में एक लोकसभा का एमपी था उसकी डेथ हो गई, तो उपचुनाव हुआ, बाबा साहब ने फिर कहा मैं चुनाव लड़ना चाहता हूं, मैं राज्यसभा से संतुष्ट नहीं हूं। फिर बाबा साहब ने चुनाव लड़ा, फिर कांग्रेस ने बाबा साहब के खिलाफ कैंडिडेट उतार दिया। उपचुनाव में तो दिक्कत ही नहीं थी ना भाई, उनका बहुमत तो मिला हुआ था, नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, एक सीट अगर विरोध किया जाती तो नेहरू जी की क्या बिगड़ जाता, कुछ बिगड़ता था क्या? फिर भी बाबा साहब के खिलाफ 53 में भी चुनाव लड़ाया और बाबा साहब को हराया। जिस कांग्रेस ने बाबा साहब को दो दो बार हरवाया हो, हमारी इच्छा नहीं होती कि हम कांग्रेस को हराएं, होती कि नहीं होती बताओ भाई, अरे होती है कि नहीं होती बताओ, होती है क्या? होती है तो मंच बैठा है ना, उनको कहना भाई हाथ खड़ा करके, पहले मैं बोल रहा हूं मंच के नाम, हमारे मंच पे बैठे हैं आदू राम जी, ठीक आदमी आगे हम थारे एमएलए को हटाओ ना, तो ताली बजाओ भाई, बोल रहा हूं कैलाश जी मेघवाल हमारे एससी मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष, इनके लिए भी ताली बजाओ, ये आए हैं। अच्छा तेजाराम जी हमारे साथ काम करो लो, मैं तो पीटी होटी आई टी में पता है नहीं क्या कहीं कर डबल हो, हाँ कहीं हाँ कट गया भाई तेजाराम जी है प्रधान, और बिड़गार कहीं कोई और पार्टी में भी गया नहीं, मैंने मैं फोन करता हूँ तो सही जगह आ जाओ, मैं आ गया, जोरदार ताली बजा दिया स्वागत करो। लेकिन अच्छे आदमी थे, जब ये नौकरी करते थे तब भी समाज के बारे में चिंतन करते थे। एक दिन ये मुझे गांव ले गए, कोई फंक्शन था ना आपके गांव में, पूरे जिले की तरफ से, फिर चार दीवारी शिकायत कैंड करी, मैं कह तेजाराम बना ली चार दीवारी है क्या बोलो करो भाई, ऐसे शिकायतें कई करते थे। लेकिन आपका सरपंच घर में था ना कोई, यार माता जी थी क्या? हाँ इनके घर में सरपंच आई थी अभी है, तो अब ए भी बीजेपी में आ गया। अरे इनका ख्याल रखोगे तेजाराम जी का, ताली बताओ इनके लिए।
दुपट्टा पहन रखा है मैंने।